नमस्कार, फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में एक पुल निर्माण कार्य कर रहा था, जिसमें सीमा सड़क संगठन के 5 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा था कि पुल गिरने से यह हादसा हुआ है। अभी उनमें से एक महावीर शाह, जो मोतिहारी जिला के सेना में कार्यरत है, उनकी भी शहादत हो गई है इस पुल हादसे में, जिनकी पार्थिव शरीर उनके पैतृक ग्राम दलपत बिशुनपुर में अभी पहुंची हुई है। अपने जवान के दर्शन के लिए, अंतिम अंतिम यात्रा के लिए और अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है, और वे अपने नव आंखों से वे अपनी शहादत को उनकी शहादत को सलामी दे रहे हैं। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। ताबूत में तिरंगा से लिपटा हुआ उनकी पार्थिव शरीर आज दलपत ग्राम में पहुंची। ग्रामीणों की भी सुबह सुबह उनके दरवाजे पर जमी हो गई। चीन बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में पुल निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें महावीर शाह, जो सीमा सड़क संगठन में एक जवान थे, तैनात थे, पुल गिरने से यह हादसा हुआ और उनमें उनकी शहादत हो गई। परिवार वालों के रो रो कर उनकी बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार में दो बेटियां और तीन बेटे हैं, जिनकी 2 महीने पहले एक बेटी की शादी हुई थी, जिनमें वे आए हुए थे इस अपने परिवार में। 1 महीने पहले वे अपनी छुट्टी बिताकर अपने अरुणाचल प्रदेश में पोस्ट पर गए हुए थे। घर को क्या पता था कि उनकी ये पार्थिव शरीर पहुँचेगी। बताया जा रहा है कि अभी से 1 घंटे बाद उनके गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के साथ उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी।